अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज फिर से हम पढ़ेंगे परिंदे की फरियाद के कुछ सवालात हैं वो करेंगे। हमने इसके तीनों पार्ट पढ़े तो आज इसके सवालात जवाबात लिखेंगे हम यहाँ पे ही। मैं साथ साथ आपको पढ़ूंगी और लिखाऊंगी भी, ठीक है? तो चलो, हम पहला क्वेश्चन है इसका, पहला सवाल है, परिंदे को गुजरे हुए ज़माने की कौन कौन सी बातें याद आ रही है, कौन कौन सी बातें याद आ रही है? हम जवाब लिखेंगे इसका, परिंदे को जो हमने उसकी तशरीह भी की, शायर पढ़े, परिंदे को गुजरे हुए ज़माने की बहुत सारी सारी बातें याद आती हैं। ज़माने का घोंसला, साथी जिनके साथ वो रहता है, फूलों से बरे बाग, है ना बच्चों, बरे बाग और आज़ादी याद आ रही है, इसीलिए वो पिंजरे के अंदर तड़पता है, शायर लिखता है। दूसरा क्वेश्चन है इसका, सवाल नंबर दो, ठीक है बच्चों, परिंदा कफस में किसकी आवाज सुनने को तरसता है, परिंदा कफस में किसकी आवाज सुनने की आरजू करता है, किसकी आवाज? सीधा सा मैंने आपको समझाया, परिंदा कफस में अपने साथियों की आवाज सुन, हम लिखेंगे परिंदा कफस में अपने साथियों की, अपने साथियों की आवाज़ के लिए तरसता है, आवाज़ सुनने के लिए तरसता है, सुनने की आरज़ू रखता है, या लिखेंगे या आवाज़ के लिए तरसता है, करता है, है ना? ठीक है, हो गए इसके दो क्वेश्चन के जवाब। अब तीसरा क्या है इसी का सबक में, तीसरा सवाल आया, परिंदा खुद को बदनसीब किस लिए क्यों समझता है, परिंदा खुद को, उसने लिखा है मैं खुद बदनसीब किस्मत को रो रहा हूँ, खुद को बदनसीब इस क्यों समझता है, बदनसीब क्यों समझता है बच्चों? वह इसलिए समझता है क्योंकि वह दूसरे परिंदों की तरह आजाद नहीं है। ये लिखेंगे हम इसका जवाब, परिंदा खुद को बदनसीब इसलिए समझता है, खुद को बदनसीब इसलिए समझता है क्योंकि वह दूसरे परिंदों की तरह आजाद नहीं है, आजाद मत है, इसीलिए वो अपने आप को बदनसीब समझता है, बल्कि एक कैदी समझता है, ये भी लिखेंगे, बल्कि एक कैदी समझता है, कैदी है वो, बोलता है मैं कैदी हूँ। इसके क्वेश्चन भी हम चौथा भी करेंगे साथ, चार क्वेश्चन करेंगे हम इसके, क्वेश्चन नंबर चार, परिंदे को अपने चमन की कौन सी बातें याद आती हैं, अपने चमन की क्या क्या बात याद आती है, फूलों के बागों की, चमन की कौन कौन सी बात याद आती है, कौन कौन सी
चीजें याद आती हैं, हम चीजें लिखेंगे, चीजें याद आती हैं, क्या क्या याद आती आती आ रही है, आ रही है, कौन आ रही है, ठीक है। हम लिखेंगे परिंदे को तो बाग आ रहे हैं फूलों के, याद घूमना फिरना आजादी से काफस में, काफस में परिंदा परिंदे को अपना एक तो घोंसला याद आता है, घोंसला याद आता है, बाग आते हैं, मैं फूलू फूलों का खिलना खिलना है ना, और क्या आता है शबनम, शबनम के कतरे, कतरों का चमकना, शबनम के कतरों का चमकता, और आजादी, और आजादी से बाग में घूमना फिरना, बाग, ठीक है बच्चों, बाग में फिरना याद आता है, आ रहा है। तो हमने ये चार क्वेश्चन लिखे, ये नज़म अलामा इकबाल ने लिखी है, ये नज़म किसने लिखी है, नीचे इसको लिखेंगे, ये नज़म अलामा इकबाल इकबाल ने लिखी है, ठीक है। तो हमारा ये कंप्लीट हुआ है, इसके सवाल जवाब भी हमने किए, मैंने साथ आपको लिखाया, ठीक है। परिंदे परिंदे को गुजरे हुए ज़माने की कौन कौन सी बातें याद आ रही हैं, परिंदे को गुजरे हुए ज़माने की बहुत सारी बातें याद आ रही हैं, घोंसला, साथी, फूलों से भरे बाग, आज़ादी। दूसरे क्वेश्चन में, परिंदा काफ़स में किस किस की आवाज़ को, किन की आवाज़ को सुनने के लिए आरजू करता है, परिंदा काफ़स में पिंजरे में अपने साथी की आवाज़ सुनने को आरजू करता है, काफ़स हो गया ना पिंजरा। परिंदा खुद को बदनसीब क्यों समझता है, परिंदा खुद को बदनसीब इसलिए समझता है क्योंकि वो दूसरे परिंदों की तरह आरजू आज़ाद नहीं बल्कि एक कैदी है, बंद है। परिंदे को अपने चमन की कौन कौन सी चीज़ें याद आती हैं, काफ़स में उसको पिंजरे में परिंदे को अपना घोंसला याद आता है, बाग में फूलों का खिलना, शबनम के कतरों का चमकना, आज़ादी से बाग में फिरना याद आ रहा है। तो लास्ट में ये क्वेश्चन भी है कि ये नज़म किसने लिखी है, इसका नाम याद रखना और कोशिश करना ये ज़ुबानी याद करने की और अपनी अपनी कॉपी पे नोट करना। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, तो टाइम भी हमारे पास इतना नहीं है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।